शाहजहांपुर जिले से बड़ी खबर। प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान के नेतृत्व में तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या कर एक्सीडेंट का रूप देने वाली घटना का तिलहर पुलिस ने मात्र 23 घंटे में किया खुलासा। हरियाणा से प्रेमी को बुलाकर योजनाबद्ध तरीके से पति की हत्या करने वाली पत्नी व हत्यारा प्रेमी गिरफ्तार। बता दें कि विगत 3 अप्रैल की रात्रि लगभग 9:30 बजे राजनपुर रोड पर ग्राम रज्जाकपुर निवासी धनपाल पुत्र हुलासी राम का शव सेंट्रो कार के नीचे फंसा मिला था। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तिलहर थाना प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह वालियान ने गाड़ी के नीचे फंसे शव को बाहर निकलवाया और जांच पड़ताल की, लेकिन इस दौरान मौके पर मृतक के परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की तहरीर अथवा किसी पर शक जाहिर नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचायत नामा भर कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी बीच अगले दिन 4 अप्रैल को मृतक धनपाल के भाई परमजीत ने थाना तिलहर पर मृतक के दोस्त मुकेश यादव पुत्र कृष्ण कुमार निवासी खेटा बांस थाना फर्रुख नगर जनपद गुड़गांव के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना तिलहर प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह वालियान ने स्वयं ग्रहण की, जिसके बाद शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक एस आनंद द्वारा उक्त संदिग्ध घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी तिलहर परमानंद पांडे के पर्यवेक्षण एवं तिलहर प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह वालियान के कुशल नेतृत्व में टीम गठित करते हुए हत्या के अभियोग की गहनता से विवेचना करने हेतु कड़े दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद नामजद अभियुक्त मुकेश यादव को मृतक धनपाल की ससुराल ग्राम कसरक थाना कटरा क्षेत्र से कल दिनांक 5 अप्रैल को शाम करीब 5 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे की गई पूछताछ में उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए बताया गया कि विगत 1 वर्ष से उसका मृतक धनपाल की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। धनपाल इन दोनों के बीच रोड़ा बना हुआ था। योजनाबद्ध तरीके से दोनों ने मिलकर दिनांक 3 अप्रैल को गाड़ी से कुचलकर धनपाल की हत्या कर दी। विवेचना से मृतक की पत्नी मधु का नाम सामने आया और आज दिनांक 6 अप्रैल को सुबह 7 बजे पुलिस ने अभियुक्त मधु को ग्राम रज्जाकपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। ये 3 अप्रैल की रात्रि में थाना तिलहर को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम राजनपुर के पास एक व्यक्ति है जो गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। सूचना पर पुलिस पहुंची, मृतक की शिनाख्त धनपाल के रूप में भी। इसके बाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए इस घटना का अनावरण किया है। ये जो मृतक है गुड़गांव में नौकरी करता था, 10 साल से करीब वहीं रहता था। वहीं इसकी जान पहचान एक मुकेश नाम के व्यक्ति से भी और इनके घर पर आने लगा। उसके बाद काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई। इस घटना में ये दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, एक तो मुकेश और एक मृतक की पत्नी, दोनों गिरफ्तार किए। पूछताछ में इन्होंने यही बताया इनका आपस में संबंध हो गया था और इसकी वजह से ही उन्होंने धनपाल की योजनाबद्ध तरीके से हालांकि उसके बाद में हत्या कर दी। इसको एक्सीडेंट के रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन थाना जिला पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया है। दोनों गिरफ्तार के जेल भेजा। अभियुक्त मुकेश यादव जो गुड़गांव का रहने वाला था उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। दोनों ने ही इस योजना को अंजाम दिया। मृतक की पत्नी द्वारा ही इसको तिलहर बुलाया गया था और जिसमें उन्होंने उसको शराब पिला के बाद में जब वो अचेत हो गया शराब पी के तो उसको नीचे डाल के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया गया था। आज सुबह ग्राम रजाकपुर से पूछताछ के और सबूतों के आधार पर मृतक की पत्नी श्रीमती मधु को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें धारा 120 बी की वृद्धि की गई है। दोनों अभियुक्तों ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। संघ धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आज उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है।